हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र। दोस्तों मैं चंचल कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको ने बहुत दिन से कट ऑफ को लेकर मन में सवाल आ रहे हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कट ऑफ क्या रहेगा। प्राथमिक का 1 से 5 में आप आई दिन कट ऑफ को लेकर परेशान रहते हैं क्योंकि रिजल्ट भी जो है अब बहुत जल्द आने वाला है। जिस संभावना है कि इस महीने में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा बीपीएससी का, तो कट ऑफ को लेकर आपने कई सारे सवाल उठ रहे हैं और आपने कई सारे फोन मैसेज मुझे किया कि सर आप कट ऑफ से एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम अपना कट ऑफ चेक कर सके कि हम कहाँ तक हैं और कहाँ तक हमारी संभावना है इस पहली में सिलेक्शन का। क्योंकि अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन की, तो इसमें लगभग 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और उनमें सबसे अधिक फॉर्म प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म गिराया है, जिसमें से लगभग 3,80,000 डीएलएड और साथ ही 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी शामिल है। ये कट ऑफ जो है कंबाइंड कट ऑफ में आपको बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कट ऑफ जो है मेरा लगभग इसी की इंटरव्यू आपकी जो कट ऑफ 1 से 5 की रहने वाली है, क्योंकि आप सब इस चीज़ से अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ऑफिशियली ओया मार्क्स मिलाने के बाद और आंसर किसी मिलाने के बाद, क्योंकि कट ऑफ में कई सारे भ्रांतियां में चल रही है। दोस्तों चलिए हम शुरू करते बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को और बताते हैं आपको कट ऑफ क्या जाएगा और किस कैटेगरी में आपका क्या सिलेक्शन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ लिखा है बीपीएससी टीआरई कट ऑफ 2023, मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक साइड यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी एससी एसटी आरएफ और यहाँ मेल है और ये सीट है, नंबर ऑफ सीट्स किस कैटेगरी में कितनी है, साथ ही इस साइड में लिखा है फीमेल और कितनी सीटें क्या कट ऑफ रहेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं मेल से। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं मेल का जो कट ऑफ रहेगा प्राइमरी का 1 to 5 का वो 55 से लेकर 60 के आसपास रहेगा। जो मेल का कट ऑफ है पुरुष का कट ऑफ रहेगा प्राथमिक 1 to 5 का वो 55 से लेकर 60 तक जनरल कैटेगरी का रहेगा। इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, यानी कि 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं इस नंबर से और घट भी सकते हैं। और यहाँ पर टोटल सीट की बात करें, यहाँ पर टोटल सीट 15,947 यानी कि 15,947 सीट यहाँ पर जनरल की है और इसी कट ऑफ जो है ये 55 से लेकर 60 तक रहने वाली है। प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, इसमें आप 2 जोड़ सकते हैं 2 घटा सकते हैं, ये कट ऑफ आपका 1 से 5 में जनरल कैटेगरी मेल का रहने वाला है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल का आप यहाँ देखेंगे फीमेल कट ऑफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इनका कट ऑफ रहने वाला यूआरएफ का 53 से लेकर 58 तक, यानी कि फीमेल कट ऑफ यहाँ पे 1 to 5 में यूआरएफ में अनरिजर्व फीमेल का वो कट ऑफ आपका है 53 से लेकर 58 तक प्लस माइनस 2। और इनकी सीट जो है टोटल यूआरएफ की वो है लगभग 16,040 सीट, यानी कि 16,040 सीटों पर अनारक्षित महिलाओं का सिलेक्शन होगा जिनका कट ऑफ जो है 53 से लेकर 58 के आसपास आ रहा है। प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, 2 नंबर बढ़ भी सकता है 2 घट भी सकता है, यानी कि 2 आप लास्ट में 53 से घटा के तो 51 बचेगा और 2 बढ़ा देंगे तो 60 हो जाएगा। ये कट ऑफ आपका फीमेल का जनरल में रहने वाला है 53 to 58 यूआरएफ का, इनकी सीटें लगभग 16,040। अगर हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की, दूसरा कैटेगरी आता है ईडब्ल्यूएस, जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग उनको जो आरक्षण मिला 10%, उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है मेल के अंदर। तो मेल का कट ऑफ उनका रहने वाला है 50 से लेकर 52 के बीच, उनका कट ऑफ रहने वाला है 50 से लेकर 52 के बीच उनका कट ऑफ रहने वाला है, जिसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। और जो इनकी सीटें हैं, इनकी सीट लगभग 4,006 सीटें यहाँ पे, यानी कि ई डब्ल्यू एस मेल कट ऑफ जो आपकी है वो 50 से लेकर 52 तक रहेगी मेल की, यानी कि जिन पुरुष कैंडिडेट्स का मार्क्स 50 से 52 आ रहा है वो बिल्कुल सेफ है। प्लस माइनस 2 यहाँ पे हो सकता है, यानी 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, यानी कि कट ऑफ 54 भी हो सकता है और 48 भी हो सकता है। तो ये कट ऑफ आपकी इसकी विद मेल ई डब्ल्यू एस की रहने वाली है। वहीं बात करें ई डब्ल्यू एस फीमेल की, तो ये कट ऑफ आप देखेंगे तो ये कट ऑफ जो आपका ये आपका रहने वाला है 48 से 50 तक ई डब्ल्यू एस एफ में, और इनकी जो सीटें हैं वो लगभग 3,975 यानी 3,975 सीट फीमेल की ई डब्ल्यू एस एफ में, इनका कट ऑफ 48 से 50 तक रहने वाला है। प्लस माइनस आप इसमें 2 कर सकते हैं, यानी कि जो नंबर इसके आसपास आपके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे खुद को सेफ देख पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ बी सी की, तो बी सी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है 52 से लेकर 54 तक, प्लस माइनस आप 2 यहाँ कर सकते हैं, यानी कि 2 नंबर बढ़ भी सकता है 56 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है। और जिनकी सीटें हैं लगभग 4,477 यानी 4,777 कट यहाँ पे सीट है बी सी कैटेगरी की, और ये कट ऑफ 52 से लेकर 54 तक, प्लस माइनस यहाँ पे आप 2 देखेंगे। साथ ही फीमेल की बात करें बी सी में, इनका कट ऑफ जो है लगभग 50 से लेकर 52 तक रहने वाला है। ये बी सी जो फीमेल हैं उनका कट ऑफ 50 से 52 तक, प्लस माइनस आप यहाँ पे 2
देख सकते हैं प्लस माइनस यहाँ पे दो हो सकता है, तो हिसाब से उनकी कट ऑफ इसके आसपास रहेगी। और बीसीएफ की सीट की बात करें तो यहाँ पे सीट उनकी है लगभग 4,806 सीट, यहाँ पे इतनी सीटों पर बीसी महिलाओं का सिलेक्शन होना है जिनका कट ऑफ 50 से 52 के आसपास आ रहा है प्लस माइनस दो। अगर हम बात करें अगली कैटेगरी तो अगली हमारी आती है ईपीसी, तो ईपीसी का जो कट ऑफ है वो 50 से 52 तक रहेगा, इनकी सीटें जो है लगभग 7,171 सीटें हैं, इसमें आप प्लस माइनस दो कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस दो यहाँ पे आप कर सकते हैं ईबीसी कैटेगरी के अंदर मेल का, तो इनकी कट ऑफ 50 से 52 तक रहेगी, प्लस माइनस दो यहाँ पे कर सकते हैं। और यही बात पर हम ईबीसी फीमेल की, उनका कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है आप देखेंगे 48 से 50 तक प्लस माइनस दो, यानी प्लस माइनस दो यहाँ पे हो सकता है, उनका कट ऑफ रहेगा 48 से 50, यानी कट ऑफ उनका 46 भी रह सकता है, 52 भी रह सकता है, कट ऑफ उनके आसपास रहेगा। जो सीटें हैं ईबीसी फीमेल की वो लगभग 7,211 यहाँ पे सीटें हैं ईबीसी फीमेल की, तो ये कैटेगरी वाइज सीटें मैं यहाँ बता रहा हूँ, साथ ही कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही अगली बात करें एससी की, शेड्यूल कास्ट की, जो एससी का कट ऑफ है वो 45 लेकर 47 तक यहाँ रहने वाला है, यानी कि जो एससी के मेल कैंडिडेट हैं पुरुष अभ्यर्थियों का कट ऑफ 45 लेकर 47 तक रहेगा, और प्लस माइनस तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर बढ़ भी सकता है मैक्सिमम में और दो नंबर घट भी सकता है मिनिमम से, तो इनकी जो सीटें हैं वो सीट लगभग 6,367 सीटें यहाँ पे, यानी कि जो एससी मेल की सीटें हैं वो 6,367 सीटें हैं। वहीं बात करें एससी फीमेल महिला की, तो ये आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे उनका कट ऑफ रहने वाला है 43 से 45, यानी उनका कट ऑफ 43 से लेकर 45 तक रहने वाला है, यानी 43 से लेकर 45 तक, प्लस माइनस तक यहाँ दो देख सकते हैं। और जो इनकी सीटें हैं वो सीट इनकी है लगभग 6,412, यानी 6,412 इनकी सीटें हैं एस सी एफ महिलाओं की, तो इनका कट ऑफ यहाँ तक से था। जो एस सी कैटेगरी की लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूँगा, अगर आपका मार्क्स के आसपास आ रहा है कंबाइंड में संयुक्त रूप से, चाहे वो बी ए डी एड हो, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता हुआ आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि ये कट ऑफ जो काफ़ी मेहनत कर बनाई गई है, बहुत सर्वे किया गया, बहुत आंकड़े जुटाए गए, तब ने कट ऑफ बनाई, वो भी आपका बहुत रिक्वेस्ट आया था कि कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए, कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखा दूँ। अगला आता है एस टी, यानी एस टी का मतलब है शेड्यूल ट्राइब्स, तो इसका जो कट ऑफ है वो रहेगा आपका 48 लेकर 52 तक, यानी सर इनका कट ऑफ इतना हाई हो जाएगा क्योंकि एस सी से, क्योंकि यहाँ पर इनकी सीटें कम है, इनकी सीटें कम, क्योंकि इनकी सीटें हैं मात्र 395 सीटें हैं मेल में, तो इसलिए कट ऑफ 48 से 52 तक जाएगा, प्लस माइनस आप यहाँ पे दो कर सकते हैं एस टी का। और अगर हम बात करें एस टी फीमेल की, तो कट ऑफ रहने वाला 45 से 50 तक, और इनका प्लस माइनस दो कर सकते हैं, कट ऑफ उनका 43 हो सकता है और 52 हो सकता है एस टी एफ का, उनकी सीटें हैं 435, 435 सीटें। तो ये एस टी मेल फीमेल कट ऑफ इधर है, मेल इधर है, फीमेल इधर है। अगर हम बात करें आर एफ, जो आर एफ होता है रिजर्व फीमेल, उनको भी ये आरक्षण कोटा मिलता है, तो उनकी जो कट ऑफ है वो 46 से 50 तक हो सकते हैं, उनकी उनका कट ऑफ 46 से लेकर 50 तक आर एफ फीमेल की हो सकती है, प्लस माइनस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आर एफ कैंडिडेट्स हैं फीमेल वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ अपने आप को पाएंगे। और हम बात करें दृष्टिबाधित जो हमारे होते हैं अभ्यर्थी, उनको कट ऑफ बता दें, वो लोग फोन करें सर कट ऑफ हमारा क्या जाएगा, वो कट ऑफ हम बात करें दृष्टिबाधित की कट ऑफ की, तो आप यहाँ देखेंगे उनका कट ऑफ जो है 42 लेकर तक रहेगा, यानी 40 से 42 उनका कट ऑफ रहने वाला है, और यहाँ पे टोटल 834 जो यहाँ पे सीट हैं, यानी यहाँ पे टोटल 834 सीट हैं, और यहाँ प्लस माइनस दो यहाँ पे कर सकते हैं, कि जो दृष्टिबाधित मेल फीमेल का कट ऑफ 40 से 42 के आसपास रहेगा, मेल दो नंबर बढ़ा ले, फीमेल दो नंबर इसमें घटा ले, बस सीट का वो कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीटें जो है आपका मात्र 834 सीट यहाँ पर आपका मेल फीमेल का जो आपका दृष्टिबाधित के अंदर। और हम बात करें मूक बधिर जो है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो मूक बधिर जो कट ऑफ रहने वाली है वो आप देखेंगे 41 लेकर 43 की, यानी 41 से 43 प्लस माइनस दो कर सकते हैं मेल फीमेल अपने आप में, और जिनकी सीटें हैं वो सीटें यहाँ पे लगभग आपकी 8 से 11 सीटें हैं, यानी 8 से 11 सीटें यहाँ पे जो है आपका मूक बधिर का है, और जिनकी कट ऑफ जो है 41 से 43 के बीच रहने वाली है, यानी 41 लेकर 43 के आसपास। तो ये कट ऑफ्स वगैरह हो सकते हैं, कट ऑफ्स जो ये डाटा के बेस पर दिया गया, लेकिन बीपीएससी कट ऑफ कितना ही सल होगा वो समय बताएगा, क्योंकि बीपीएससी कट ऑफ डिपेंड करेगा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है, कितने वहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं, और इसके अलावा आप देखें तो एक जजमेंट भी जो होगा सुप्रीम कोर्ट का जो आने वाला है इस मैटर पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कट ऑफ थोड़ी इस पर वैरी कर सकती है, कट ऑफ ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है, जो जब कोर्ट का आएगा डिसीजन तो उसमें कट ऑफ वो बता दूंगा, कट ऑफ
एक्चुअली क्या जाएगा। फिलहाल मैं कंबाइंड कट ऑफ दिखा रखा है, हो सकता है आपको ये ज़्यादा लग रहा हो या कम भी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन जो मेरा डाटा कह रहा है वो मैंने कट ऑफ बता दिया है। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ तो है नहीं बीपीएससी की, जो आप इसको यकीन मान लें, लेकिन फिर भी इतना है कि अगर आप इसके आस पास हैं तो आप निश्चिंत बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन मानिए आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत जो आंकड़ा है मैंने कई सारे डाटा कलेक्शन किया, लोगों से पूछा, तो उन्होंने मार्क्स बताए, एक सर्वे किया, तो मैंने डाटा यहाँ पे एनालिसिस किया। प्लीज ये डाटा इकट्ठा करने में मुझे 15 दिन लग गए, 15 डेज मुझे डाटा मिला, तो मैंने कट ऑफ आपके सामने रख दी है। और हो सकता है कट ऑफ जो आपके आसपास आ रहे होंगे, इनका कट ऑफ इसके आसपास आ रहे हैं, इनका डिग्री के आसपास आपको सिलेक्शन हो रहा है, इनका नहीं आ रहा है, लोग वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, उनको आगे मौका मिल रहा है। और फाइनली बीपीएससी कट ऑफ ही मेन कट ऑफ होगा जो कुछ दिनों में जारी होने वाला है। साथ ही कुछ अभ्यर्थी अगर चाहते कि मैं कट ऑफ और बनाऊं आपको इसी तरीके से, तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और कट ऑफ बना के दे दूंगा। जैसे कि आप यानी मुझे उच्च माध्यमिक माध्यमिक कट ऑफ आपको चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा, पेशेंस रखिए, रिजल्ट आपका आने वाला है, थोड़ा और पेशेंस रखिए। इतना दिन आपने पेशेंस रख लिया है तो कुछ दिन और सही रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, और यकीन मानिए आप बहुत जल्द बिहार में शिक्षक बनने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो और चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इसको तमाम ग्रुप व्हाट्सअप टेलीग्राम व्हाट्सअप फेसबुक सब पे शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे आपके लिए भी ये सब काम कर सकूँ। क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत घंटों की मेहनत लगती है, तभी डाटा के सामने मैं लेकर आ पाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से आपसे मिलूंगा वीडियो में, तब भी थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।